ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पार्टी ऑफिस, वो पार्टी ऑफिस उसी ब्रिज के रास्ते पे बीच पे पड़ता है, रास्ते के बीच पे वो पार्टी ऑफिस बनाया गया है। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों, ये पार्टी ऑफिस के लिए शायद वो ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि वो अभी वो ब्रिज अगर बनेगा तो हमको कहीं ना कहीं लगता है वो पार्टी ऑफिस को तोड़ना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, कालचीनी ब्लॉक का बस्ती बाजार का ये जो खबर है आप देख रहे हैं बैकग्राउंड में, इसको लगभग एक महीना पहले बनाया गया था। ये ब्रिज का वीडियो है, ये ब्रिज लगभग 1993 में जो बाढ़ आया था उसमें टूट गया था, और अभी वो इलाके में वो ब्रिज टूटने के बाद वो इलाके में आज तक वो ब्रिज नहीं बनाया गया, और उस इलाके के जो जनगण है, उस इलाके के जो लोग हैं, आज तक बिना ब्रिज के जाना आना करते हैं बरसात में। और इस खबर को करने के बाद काफ़ी जगहों में लेटर लिखा गया था, पंचायत ऑफिस में, वीडियो ऑफिस में, और तरह तरह के दफ्तरों में ये एप्लीकेशन दिया गया था इस ब्रिज को बनाने के लिए, लेकिन आज तक किसी भी तरह का पॉजिटिव न्यूज़ वहाँ से नहीं आया। और मजबूरन इस बरसात में वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जाने आने के लिए अपने खर्चे से वो जो ब्रिज है उसको जोरा ताली जैसे बंगला में बोलते हैं, वो बना के बम्बू काट के, बम्बू का जो काट के वो होता है लंबा लंबा, उससे रास्ता अभी ब्रिज को काम चलाओ के लिए बनाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं दोस्तों, 1993 का जो बार है, उस समय का जो क्षति हुआ है, आज तक रिपेयर नहीं हुआ है। बीच में वो किसी बिल्डर के थ्रू, किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू उसको कंट्रीब्यूशन मिला था वहाँ पे, तो वहाँ काम भी शुरू हुआ था, लेकिन वो अकेले कॉन्ट्रैक्टर कितना कंट्रीब्यूट करेगा वहाँ पे? कहीं ना कहीं सरकार का हस्तक्षेप, सरकार का हाथ वहाँ पे चाहिए, लेकिन वहाँ पे किसी भी तरह का सरकारी फंड उस ब्रिज के लिए नहीं आया। हमको लगता है दोस्तों, ये जो बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं पार्टी ऑफिस, वो पार्टी ऑफिस उसी ब्रिज के रास्ते पे बीच पे पड़ता है, रास्ते के बीच में वो पार्टी ऑफिस बनाया गया है। हमको कहीं ना कहीं लग रहा है दोस्तों, ये पार्टी ऑफिस के लिए शायद वो ब्रिज नहीं बन रहा है, क्योंकि वो अभी वो ब्रिज अगर बनेगा तो हमको कहीं ना कहीं लगता है वो पार्टी ऑफिस को तोड़ना पड़ेगा। अभी वो लोग अगर तोड़ेंगे तो ब्रिज को बनाना पड़ेगा, अभी अगर ब्रिज को बनाएंगे तो पार्टी ऑफिस को तोड़ना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये हमको लग रहा है रास्ते के ऊपर एक ब्रिज है, उसी लिए उस ब्रिज को मतलब बनाया नहीं गया, क्योंकि उसी रास्ते पे पार्टी ऑफिस भी है। अभी अगर आप ब्रिज को बनाएंगे लोगों के जाने आने के लिए, शायद वो रास्ता खुल जाएगा फिर से नया, लेकिन उसके साथ साथ वो पार्टी ऑफिस जो बनाया हुआ है रास्ते के ऊपर पे, उस पार्टी ऑफिस को मजबूरन तोड़ना पड़ेगा। इसीलिए हमको लगता है उस गांव के जितने लोग रहते हैं वो लोग वंचित हैं उस ब्रिज से। बरसात में वहां के हालात बहुत बुरा होता है दोस्तों, वहां के लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं, इलाज से वंचित रहते हैं, और बाज़ारों के लिए वो लोग बहुत मेहनत करना पड़ता है उन लोगों को बाज़ार करने के लिए। आप सोच सकते हैं, मजबूरन वहाँ के लोगों को अपने खर्चे से वो ब्रिज को रिपेयर करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं विजुअल्स, और आप देख सकते हैं स्टेटमेंट्स लोगों का कि वहाँ पे किस तरह से लोग रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, हम लोग ने कुछ दिन पहले जो जयगांव मिरर और नीलसन बसुमाता भाई के साथ जो खबर किया था, ये बस्ती बाज़ार पश्चिम शताली 198 पार्ट मेंदाबारी जीपी के अंतर्गत कालचीनी ब्लॉक के अंडर पड़ता है, ये हम लोग ने उस दिन न्यूज़ करने के बाद हम लोग ने पंचायत के थ्रू से जीपी में बात करके हम लोग ने एनएस को भी बुलाया था, जो मेंदाबारी जीपी के एनएस है, उन्होंने भी आके विजिट करके गया। तो देखिए, वहाँ पर एक घर है, ये देखिए वो घर भी बिल्कुल ही धंसने वाला है उस दिन का जो बारिश था उसमें। ये गोपाल देवनाथ जी का घर है, देखिए ये बिल्कुल धंसने वाला, इसके बारे में भी हम लोग ने दिखाया बताया,
ग्राम पंचायत में एनएस ने खुद आके विजिट करके गए मेंदावरी जीपी के, तो इतना निंदनीय है। देखिए दोस्त, आज जो है यहाँ के जो जनसाधारण हैं इस गांव में जो रहते हैं, देखिए इस गांव में जो है कम से कम 25-30 परिवार है ये सुपारी बागान बाजजूर के पीछे, तो इन लोग अपना पॉकेट से बांस खरीद कर खुद काम करके ये लोग ये पुल को बना रहे, ताकि इनको आने जाने के लिए इन लोग को सक्षम हो, आने जाने के लिए सहायता हो सके, तो इन लोग खुद अपना पैसा से बांस खरीद के बैम्बू खरीद के ये लोग खुद करना शुरू किया। क्योंकि इन लोग जो सरकार का प्रशासन का तरफ से जो आशा रखे थे इन लोग ने, तो ये नहीं हो पाया, तो इन लोग बहुत दुखी होकर अपने आप आज अपने पॉकेट से पैसा डाल के इन लोग बांस खरीद के खुद का आने जाने का व्यवस्था करके ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये पिलर जो है ये कोई एक कॉन्ट्रैक्टर से डोनेशन लेके हम लोग ने बनवाया हुआ है, तो सिर्फ इसका टॉप चाहिए, तो उसके लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो हमारे यहाँ के ग्राम पंचायत से जीपी लेवल का यहाँ से या तो पंचायत समिति ब्लॉक लेवल से भी कुछ काम नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ इन लोग का लगभग देखिए कंडीशन बहुत ख़राब है, कि अपने पैसे से बना रहे तो पैसे का भी थोड़ा हिसाब रखना पड़ेगा, तो हम ज़रा इनसे पूछेंगे यहाँ के जो बाशिंदा है हमारे रूबी सिंह अंकल जी, रूबी सिंह नरजिनरी जी। अच्छा अंकल, आप लोग तो यहाँ ये पुल बना रहे, तो आप लोग को कुछ ग्राम पंचायत से या कुछ बनवा रहे क्या, खुद बनवा रहे? नहीं, ये तो ग्राम पंचायत का नहीं है, ग्राम पंचायत में हम लोग तो कोशिश किया था जी, लेकिन ग्राम पंचायत में जहाँ तक हम लोग सुनने मिला है कि मतलब अंचल में ग्राम अंचल में यानी कि पैसा नहीं है। अच्छा, एकदम पैसा नहीं, मतलब ये यहाँ पे उस दिन एनएसबी आया था जीपी से ना? जी हाँ जी हाँ आया था, तो हम लोग को 3 दिन रुकवाया जी, तो अभी 3 दिन का जगह में हम लोग 6 दिन आशा किया जी, आखिरी तक तो हुआ ही नहीं जी जी, तो अभी हम लोग मजबूरी से जी, हम लोग 10 परिवार है यहाँ, 10 परिवार में हम लोग 1000 करके अपना पैसा से हम लोग अपना कर रहा है जी जी, अपना ही खट रहा है और अपना ही बम्बू बम्बू खरीद रहा है, मतलब सरकारी कुछ भी वो नहीं है, इसमें सरकारी कुछ भी नहीं, मतलब हम लोग गाँव वाले खाली है। ये बहुत ही शर्मदायक है हमारे जो यहाँ के प्रशासन और जीपी के लेवल में जो काम हो रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कम से कम 10-15 परिवार है नदी के उस पार, फिर इधर भी कुछ 10-15 परिवार है जो ये रास्ता को मतलब रास्ता यूजफुल है उन सभी के लिए, तो जीपी से मतलब बोला गया कि फंड नहीं है, काम नहीं होगा, फंड नहीं है बोल दिया, फंड नहीं जी, ठीक, तो जब फंड नहीं बोला जी, तो हम लोग 1000 रुपये करके कलेक्शन करके हम लोग अपने खट रहे हैं और अपने हम लोग बम्बू वम्बू खरीद रहे हैं जी। ये जो सामने घर दिख रहा है, ये जो घर दिख रहा है देखिए, ये भी तो धसने वाला है, तो बिल्कुल पास में चला गया, तो इसको भी आप लोग ने दिखाया था जब एनएस आया था? नहीं, ये तो दिखाया था जी, बोला इसके कोई व्यवस्था करेंगे, तो क्या व्यवस्था करेंगे ये तो हम लोग बोल नहीं सकता है, कोई मतलब एक इंजीनियर आया था अंचल से, तो देखा भी है, फोटो भी किया, बोला इसको हम लोग देखेंगे, बस इतना ही बोला, देखेंगे क्या देखेंगे कुछ पता नहीं। ठीक है, धन्यवाद अंकल। हाँ ठीक, देखिए ये हमारे मेंदावारी जीपी के अंतर्गत बस्ती बाजार पश्चिम सतली 198 पार्ट का है, तो यहाँ हम लोग ने कुछ दिन पहले जीपी पे गया था, एनएस को भी बुलाया था, तो लेकिन एनएस आके विजिट करके गया, वो सामने एक घर बिल्कुल ही जाने वाला है, धसने वाला है, वो भी दिखाया था, ये पुल के बारे में भी दिखाया था, लेकिन देखिए जैसा कि जहाँ तक जानने को आया, हम जाके जीपी में बात किया था तो प्रधान से, तो एनएस हम लोग साथ बैठे थे, तो उन्होंने बोला कि ये सब काम के लिए अभी तो कुछ फंड नहीं है, इमरजेंसी में तत्काल में कुछ काम नहीं हो सकता, तो अभी बहुत ही हमारे लज्जाजनक अवस्था में है हमारे मेंदावरी जीपी। जैसा देखिए ये जो पुल बन रहे हैं, इन लोग जो यहाँ के ग्रामवासी है, ये लोग अपने आप खुद पैसा कलेक्शन करके खुद लोग मजदूरी करके ये पुल को बनाने का स्टेप लिया है, तो मैं
आगे भी बात करूंगा, आज जीपी लेवल पे भी बात करूंगा और साथ ही मैं ब्लॉक लेवल पे बात करूंगा इसके बारे में। हमारे जो विधायक साहब है उनसे बात करूंगा और हमारे जो सभाधिपति है अलीपुर द्वार के उनसे भी बात करूंगा। ये देखिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखा है जिसमें यहाँ के सभी ग्रामवासियों के सिग्नेचर है, सही किया हुआ है, तो इसमें हम कॉपी टू किया हुआ है। आपका प्रधान मेंदाबारी जीपी, चेयरमैन कालचीनी पंचायत समिति, बीडीओ कालचीनी ब्लॉक और सभाधिपति, तो इनको मैं सबमिट करूंगा, इनको मैं ये जमा करूंगा डॉक्यूमेंट्स। तो देखते हैं कितना तक आगे बढ़ते हैं। अगर ये काम नहीं हो पाया, इतना सा छोटा सा काम, देखिए यहाँ पे पिलर उठाया हुआ है, लगभग आपका कम ही बजट है, सिर्फ टॉप बनाना है। अगर ये भी काम नहीं हो पाया प्रशासन से तो बहुत ही निंदनीय होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।